अब देखो लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 25, इसमें क्या बोल रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो बताओ लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो किसके बीच में एंगल फाइंड करेंगे हम? नॉर्मल और पैरेलल वेक्टर, इन दो के बीच में फाइंड करेंगे ना। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है? देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन अपॉन में टू इज इक्वल टू वाई अपॉन में थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस में थ्री अपॉन में सिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको हम, तो x माइनस माइनस का वन अपॉन में टू इजक्ल टू वाई माइनस जीरो अपॉन में थ्री इजक्ल टू जेड माइनस थ्री अपॉन में सिक्स। कंपेयर विथ, हमें कंपेयर करना है इसको किससे? x माइनस एक्स वन अपॉन में a इजक्ल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में b इजक्ल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में c। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? पैरेलल वेक्टर मिलेगा नहीं, डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर आर टू थ्री सिक्स। इसलिए एम वेक्टर क्या हो गया? टू आई कैप प्लस में थ्री, जे कैप प्लस में सिक्स, के कैप। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है बताओ? इक्वेशन ऑफ प्लेन, टेन एक्स प्लस में टू वाई माइनस में इलेवन जेड इज इक्वल टू थ्री। तो पहले चेक करेंगे नॉर्मल वेक्टर की यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। देखो टेन एक्स प्लस में टू वाई माइनस में इलेवन जेड इजक्ल टू थ्री, टेन का स्क्वायर प्लस में टू का स्क्वायर प्लस में माइनस इलेवन का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आ जाएगा हंड्रेड प्लस में फोर प्लस में वन ट्वेंटी वन, तो ये आ जाएगा टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इजक्ल टू फिफ्टीन यूनिट्स। सिंस इट इज नॉट इक्वल टू वन, इसलिए इट इज़ ए नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो यहाँ से इसलिए एन वेक्टर कितना गया अपने पास में? टेन आई कैप प्लस में टू जे कैप माइनस में इलेवन के कैप। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो आगे, सिंस वी नो दैट द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज गिवन बाय साइन थीटा इक्वल टू एन वन वेक्टर डॉट एन वेक्टर डॉट एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये इक्वेशन नंबर वन। नाउ एन वेक्टर डॉट एम वेक्टर फाइंड करते हैं। एन वेक्टर क्या? देखो टेन आई कैप प्लस में टू जे कैप माइनस में इलेवन के कैप। एम वेक्टर कितना है? टू आई कैप प्लस में थ्री जे कैप प्लस में सिक्स के कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट एम वेक्टर, ट्वेंटी प्लस में थ्री टू जा सिक्स माइनस में सिक्सटी सिक्स। तो माइनस का फोर्टी होगा क्या ये? हाँ है ना, ये हो जाएगा माइनस का फोर्टी।
ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑल्सो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस में 4 प्लस में 121। तो इट इम्प्लाइज एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, देखो 225 इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं अब हम, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 प्लस 36। तो इट इम्प्लाइज एम वेक्टर इज इक्वल टू कितना गया, एम वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। ये इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 1 वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 40 अपॉन में 15 इंटू में 7, तो 3 ये ऐड, ऐड अपॉन में 21। इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स ऐड बाई 21। देयरफॉर द एंगल बिटवीन बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज साइन वर्स एट अपॉन में 21। और यहाँ पे अपने एग्जाम्पल्स कंप्लीटेड। तो एग्जाम्पल नंबर 25 आएगा सुनना आपको। ठीक है।